सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में अरेस्ट कर लिया। अब 3 दिन तक सीबीआई कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इस मामले में वैसे ही ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, तो फिर सीबीआई जांच ईडी की जांच से अलग कैसे है? ये सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा, तो हम आपको बताते हैं विस्तार से। 25 जून को अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में सीबीआई की टीम ने बात की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। उसके बाद जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी और सीबीआई दोनों ही इस केस को अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच कर रहे हैं। ईडी मनी ट्रेल का पता लगा रही है, यानी कि पैसा कहां से आया, कहां गया, तो वहीं सीबीआई को सरकारी अधिकारियों के करप्शन और रिश्वत लेने को साबित करना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केजरीवाल को मार्च महीने में ही गिरफ्तार किया था। तब केजरीवाल पर एक ही आरोप था, कथित तौर पर पैसों का लेन देन और उसका इस्तेमाल करना। अब सीबीआई की जांच की बात की जाए तो सीबीआई ने साल 2022 में पीसी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन यहां केजरीवाल को आरोपी के तौर पर नहीं रखा गया था। मार्च महीने में जब केजरीवाल हिरासत में लिए गए तो एडिशनल सॉलिसिटर ने ये कहा था कि पीएमएलए के तहत किसी को पहले से तय अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल महीने में अब आते हैं। अप्रैल महीने में सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं, गवाह के तौर पर। अब आते हैं, आसान भाषा में इसको आपको समझाते हैं। तो आसान भाषा में समझे तो ईडी मनी ट्रेल यानी कि पैसा कहां से आया, कहां गया, केजरीवाल पर रकम बनाने और इसका इस्तेमाल करने के आरोप हैं, इन आरोपों की ईडी जांच कर रही है। जबकि सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई देख रही है कि इस मामले में करप्शन हुआ है, तो इसके लिए उसे कथित रिश्वत के लेन देन को साबित करना होगा। सीबीआई का आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस धारियों को गलत फायदा दिया गया। सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी झूठी खबर सीबीआई या ईडी दे तो ये मान लीजिए कि ये मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रायोजित झूठी खबरें हैं। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है। तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सीबीआई ने केजरीवाल को अब जाकर गिरफ्तार क्यों किया? तो वैसे तो जांच एजेंसी के पास केजरीवाल को अरेस्ट करने का विकल्प था, लेकिन उससे पहले उसके कुछ ठोस सबूत उसे चाहिए थे ताकि कथित घोटाले में केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। ईडी के मामले में भी सीधा सीधा लिंक नहीं है। उसने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वेयर के तौर पर कथित दागी फंड से जोड़ते हुए आरोप लगाया है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में ये कोई विकल्प नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जमानत के चांसेस क्या क्या है? ईडी के पास पीएमएल की ताकत है। मनी लॉन्ड्रिंग एक अपराध है और ये नॉन बेलेबल है। इसमें जमानत देना पूरी तरह से कोर्ट का फैसला है। ईडी इस एक्ट के तहत बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है और लंबे समय तक डिटेन कर सकती है, यानी कि हिरासत में रख सकती है। तो वहीं सीबीआई को पीसी एक्ट मजबूती दे रहा है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सरकारी दफ्तरों में करप्शन को रोकने के लिए बने इस एक्ट में आरोपी बेल मांग सकता है, हालांकि वो तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकारी वकील जमानत के खिलाफ तर्क ना दे। नई आबकारी नीति है क्या? दरअसल नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। सरकारी संस्था बाहर हो गई और प्राइवेट को जगह मिली। शुरुआत से ही नीति विवादों में रही और जुलाई 2022 में सरकार ने इसे रद्द कर दिया और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बनी हुई हैं।